अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शेख हुमा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे, अपना मजाक क्या देख रहे होंगे। अच्छी हूँ मैं भी और बाकी सब तो चले गए पर सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो फ्रेंड, अभी मेरी फ्रेंड है ना वरना उनका फ़ोन आया कि जल्दी से रेडी हो जाए, मैं आ रही हूँ, हमको ट्रेंड चलना है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और उनको कुछ कुछ लेना होगा और मैं अपने शूज़ ढूंढ रही हूँ, तो शूज़ मिलने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। का मौसम देखो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, नीचे आ गई है वो, खड़ी है, जाती हूँ मैं। मायके में जाके बैठी थी, अभी आई हुई है कुछ दिन पहले। मायके जाने का भी तो कभी कभी चांस मिलता है, सब लड़कियों का हाल यही रहता है, छुट्टी हुई नहीं कि मायके भागी। वही तो, चले चले चलते हैं। मौसम देखो, अभी भी बारिश बंद हुई ना, अभी इतनी भयानक भयंकर लड़ाई हो रही थी गाय और बैल में, बैल थे कि गाय थी पता नहीं, जो भी थी, इतनी खतरनाक लड़ाई हो रही थी, मैं सोची वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो उन लोग की लड़ाई बंद हो गई। चलो चलो, इनको पहले सूट लेना है, डब्लू आ गए हम। लग रहा है ना, क्वार्ट्ज जैसा लग रहा है। हाँ, क्वार्ट्ज सेट ही है, क्वार्ट्ज जैसा लग रहा है, बढ़िया है, लाइट वेट में। गई है वो ड्रेस अपना वो कर रही है, ट्रायल करके देख रही हैं सही है कि नहीं। और इनके बेटे का बर्थडे है 17 को, तो उसी की तैयारी स्टार्ट कर रही है थोड़ी बहुत, तो मैं भी आई हूँ साथ में। कितना प्यारा लग रहा है, पर इनको साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, एक साइज तो वो नहीं है, पहली बार मुझे बड़ा साइज हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा निकल रहे हैं यहाँ से। पसंद तो आया कपड़ा पर साइज की दिक्कत हो गई, कहीं और देखना है। अपने लिए लो चाहे ना लो, बच्चों के लिए ज़रूर लेना पड़ता है। बच्चों की माओ का बच्चों का कपड़ा ढूंढ ढूंढ के बुरा हाल हो जाता है। कपड़े चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, वो वहाँ पर अपने बच्चों का कपड़ा देख रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिला। हम लोग बस ऐवे ही घूम रहे हैं, मौसम के नज़ारे ले रहे हैं, मौसम बहुत अच्छे है, मौसम के मजे ले रहे हैं। बहुत दिनों बाद मिले हम लोग, थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं, कर ली इन्होंने थोड़ी बहुत, अभी थोड़ी बहुत और बची है, इनके बेटे का बर्थडे है इसलिए। तो बस मार्केटिंग से ज़्यादा हम लोग का फोकस आज घूमने पर है, क्योंकि हम बहुत दिन बाद मिले हैं, आज जा रहे हैं एक शॉप, वहाँ पे इनको सूट देखना शायद पसंद आ जाए। आज किस्मत खराब है, आज कुछ नहीं पसंद आ रहा है। मेरे से पहली बार आई है ना। नहीं, कई बार आ चुकी हूँ, नहीं मतलब ऐसे मेरे। चलो आ गए खाने पीने। चॉकलेट, माय चॉकलेट, माय फेवरेट। ओके, मिलते हैं जल्दी, परसों मिलेंगे ना, कब मिलेंगे? हाँ मंडे को, बर्थडे में। बाय बाय। घूम के आइसक्रीम खा के गाड़ी बैक कर रही, बस जा रही है यहाँ से।
नेक्स्ट डे हो गया है फ्रेंड और हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह सब्जी मंडी। और हम अकेले जा रहे हैं क्योंकि हमारी बहन जा चुकी है, तो हमको सारे काम अब अकेले ही करने पड़ेंगे। आंटी आ गई मैं। टमाटर 120 रुपए किलो, थोड़ा सस्ता हुआ है आज। लीजिए, 150 था ना, 150 था ना, 120 रुपए किलो मिला है। ले आइयो, ये आम पहले रख दीजिए फ्रिज में। आ गई मैं। गर्मी में हालत खराब, भले इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही, पर इतनी उमस है ना, इतनी गर्मी सड़ी वाली कि क्या बताऊँ। अभी तो मैं चाय पीऊँगी। ये बन गई मेरी चाय। आजकल मुझे चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट खाने का चस्का लगा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरी फ्रेंड भावना है ना, जिसके साथ हम परसों गए थे शॉपिंग करने, उनके बेटे का बर्थडे है ना कल, तो उसके लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ। तो मैं जा रही हूँ ट्रेंड्स, देखती हूँ कपड़ा ही देख लेती हूँ, अगर कपड़ा नहीं समझ आएगा तो फिर कुछ और। वैसे पहले तो मैं जा रही हूँ ट्रेंड्स, कपड़ा ही सही रहता है ना। अभी उनका बेबी 2 साल का हुआ है और बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो लगा कि ट्रेंड्स चलते हैं, शायद कुछ ड्रेस पसंद आ जाए, तो बस मैं जा रही हूँ ट्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ ट्रेंड्स पर। बच्चों के लिए कपड़े सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। फ्रेंड्स मैंने बेबी के लिए ड्रेस ले ली है और अब अपने लिए देख रही हूँ, कुछ शायद पसंद आ जाए तो लूँगी, वरना तो जाती हूँ वापस घर। यहाँ का काम गया फ्रेंड्स, काम ट्रेंड्स का मेरा, जो जो लेना था मैं ले ली हूँ और अब जाती हूँ घर वापस। ट्रैफिक लगा है, ट्रैफिक। तो आ गई हूँ मैं फ्रेंड घर वापस और मैं सोची आज संडे है, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ। खाली खाली रोड होगी, अच्छा लगता है खाली रोड में गाड़ी चलाना। पर संडे हुए या मंडे, भीड़ थी, इतनी रश थी, उसकी वजह से सर में दर्द हो गया। तो आंटी को बोली हुई चाय बनाइए, तो वो चाय बनाई, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। अभी तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कपड़े में क्या लाई हूँ बेबी के लिए। ये देखें, ये टी शर्ट है और ये जीन्स है। इस पैटर्न में बच्चों की जीन्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ऐसा लिया है। यहाँ का मौसम देखिए फ्रेंड्स, बारिश वाला बिल्कुल है। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली थी और अभी अचानक से मौसम चेंज हुआ, लग रहा है बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय। ये मुझे मिल गए हैं कॉइन्स। बारिश देखो, बारिश, धूप निकली थी उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश ऐसी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि रुकेगी कि नहीं, पता नहीं, कंफ्यूजन हो रही है। रुक जाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे 2 काम करने हैं अभी, और आज रात पार्टी में भी जाना है। भावना के बेटे का बर्थडे है आज रात में, तो मैंने उनसे कह दिया है कि मैं 8:30-9 तक आऊँगी, तो हो गया, वो पार्टी में तो जाना है। बाकी मुझे 2 काम करवाने, तो उसके बेबी का गिफ्ट लाई हूँ ना कपड़े में, तो उनको उसको गिफ्ट पैक करवाना है। मैं तो सोचती थी ऐसे ही थैले में डाल के दे दूँगी, पर बहन बोली कि नहीं, गिफ्ट पैक करवा लेना और उसमें अपना टैग में नाम उम लिख के देना, क्योंकि और भी लोग होंगे तो बच्चों को ज़्यादातर लोग कपड़े ही देते हैं, तो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए पैक करवा लेना। तो उसके कहने पर मुझे पैक करवाना है। और बालों में थोड़ी सी डीप क्लीनिंग मुझे कल संडे को करवाना था, कल मैं गई भी थी पर मैं नहीं करवाई, सोची आज जाना है पार्टी में तो आज ही करवा लूँगी। पर बारिश तो भैया ऐसी स्टार्ट हो गई, अभी दिन के 2 बजे हैं, हाँ 2 बजने वाले हैं, तो शायद अभी 3-4 बजे तक बारिश रुक जाए तब मैं जाऊँगी। 2 काम करवाने हैं मेन, एक बालों में डीप क्लीनिंग करवा के ब्लो ड्राई करवाना, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा अजीब हो गए हैं और डीप क्लीनिंग मुझसे खुद से नहीं बन पाती। मैं दूसरों का तो कर लेती हूँ पर खुद का नहीं कर पाती, तो मुझे करवाना ही था, तो मैं सोची आज करवा लूँगी। और गिफ्ट पैक करवाना है, 2 काम है, अल्लाह करे बारिश बंद हो जाए। वैसे बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। फ्रेंड आ गई हूँ मैंने बालों में वॉश करवा लिया, मतलब डीप क्लीन एंड ब्लो ड्रायर,
और ये मैंने गिफ्ट पैक भी करवा लिया, यहाँ पे मैंने टैग भी लगवा लिया, इसमें मैं अपना नाम लिख दूंगी। मुझे रेडी होना था पर यहाँ इतना खराब मौसम हुआ, 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इतनी तेज़ बारिश हुई, इतना बादल गरजा, लाइट ऑफ हो गई और बारिश अभी बंद हो गई है। 8:30 से ऊपर हो चुके हैं अभी, तो बारिश तो अभी बंद हो चुकी है पर लाइट अभी तक नहीं आई है, तो लग रहा है कि लाइट आ जाए तो कम से कम रेडी तो हो जाए। 8:30 से ऊपर हो गए हैं, कब जाएंगे? मौसम देखिए आप लोग, तो बस वेट कर रहे हैं लाइट के आने का। हमेशा ऐसे ही होता है, कहीं जाना होता है तो ये मौसम का यही हाल होता है, और निकलने के टाइम पे एकदम ये सब होता है और लाइट गोल हो जाती है। ये सब होए चलता है पर लाइट रहती है तो चलो इंसान रेडी तो हो जाता है, पर रेडी कैसे हो बिना लाइट के? तो बस वेट कर रहे हैं लाइट के आने का। फ्रेंड पीछे का बैकग्राउंड में देखिएगा, मैं लाइट गोल में पूरा रेडी हुई हूँ और अभी रात के 10:15 बज चुके हैं। जी हाँ, रात के 10:15, और वहाँ केक कटिंग भी हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है और मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि लाइट ऑफ थी और मेरे को भाई के साथ जाना है, तो भाई भी कहीं काम में फंसा हुआ है। वो कहा है कि 5-10 मिनट में आता हूँ, मैं देखती हूँ मैं जा पाती भी हूँ या नहीं। बर्थडे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तभी मैं मानूँगी कि हाँ मैं वहाँ गई। और मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि हो गया केक कट, हो गया तो हो गया, सब लोग आ चुके थे गेस्ट लोग, तो हम बहुत ज़्यादा देर नहीं कर सकते थे, वैसे भी 10:00 काफ़ी देर ही होता है। तो बस बोली है वो कि आ जाओ, हो गया केक कट, हो गया तो बाकी थोड़ी देर रुक लेना, खाना खा लेना। तो बस मैं देखती हूँ भाई आ जाओ तो मैं जाती हूँ, रात के 10:15 बज गए, देखते कब मैं पहुँचती हूँ। तो ठीक है, थोड़ी देर से मिलती हूँ मैं आप लोग से। 10:30 बज गया फ्रेंड, अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ, भाई बोला रुको बस आ रहा हूँ, तो बस उसका वेट कर रही हूँ मैं। और बारिश फिर से आने लगी, देख सकते हैं आप लोग, दिख रही होगी शायद। तो फाइनली फ्रेंड रात में 10:30 बजे हमारा भाई आ चुका है और रात में 10:30 बजे हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। पकड़ो उसको, लगा रही फिर से स्टार्ट हो गई। चलते हैं फाइनली, बारिश तो देखो बापरी जाएगा ना। तो बस फ्रेंड हम निकल चुके हैं, भाई जा रहा है हमको छोड़ने, और पार्टी तो हमने मिस कर ही दी थी पर हमने कुछ कुछ क्लिप ले ली हैं तो वो क्लिप हम लगा रहे हैं। तो बस जब तक हम पहुंच रहे हैं आप लोग ये पार्टी की क्लिप देखिए। खाना खाने लगे, इसका
टॉर्च में रेडी हुई हूँ। अभी 11 बजा। ये बलून फोड़ने में बिजी है, अब हम ना इसमें परेशान है, रुक नहीं रहा ना ये बिल्कुल। ओके बाय बाय। तुम्हारे बाल कितने बड़े हैं, देखो किसको गिला, देखो किसने किस किया है, इसके लिपस्टिक लगी हुई है, किसी ने किया है। ये भावना की फैमिली, भावना के हस्बैंड भैया और ये दोनों बच्चे परेशान हो गई और सब लोग जा चुके हैं। ये देखो नाम की प्लेट बची है एक, सब लोग खा के चले वाले गए, ये सब बच्चा कुचा खाना मेरे हिस्से में बचा है। एक मिनट हो गया ना, मत निकालो, नहीं खाऊंगी यार, छोड़। रेडी हो गई मेरी प्लेट, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, पर जबरदस्ती खिला रही है, जाते हैं खाते हैं। आओ मेरा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं था, पर ये जबरदस्ती खा रही है। पार्टी में आई तो केक भी नहीं टेस्ट करी, भैया केक नहीं बता था क्या? ए मेरे को केक चाहिए, भले खाना मत खिलाओ। मैं वीडियो बना रही हूँ अभी, मैं अकेले अकेले खाना खा ली हूँ, मैं सबको ही जा चुकी है, सबको ही, लास्ट में बस मैं बची थी, अकेले बैठ के मैं खाना खाई हूँ। आओ फोटो खिंचवा रहे हैं, इनको फोटो खींच देते हैं, इनकी इन लोगों को देखो। वीडियो बन रही है, ये पोज देख, ये सबसे पहले आई है इसलिए इसकी वीडियो अच्छी है। कितने अच्छी देखो आई है, अभी डेकोरेशन भी नहीं हुई, अभी डेकोरेशन शुरू होगी। शुरू हो रही है डेकोरेशन, ये डेकोरेशन वाले हैं, हाँ वो डेकोरेशन वाले डेकोरेशन कर रहे हैं। बस अभी जब हो जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे अच्छे से, सोच रहे हैं कि कब जाए इन लोग यहाँ से। क्यों भैया आप लोग यही सोच रहे हो ना कि हम लोग कब जाए यहाँ से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आइसक्रीम मैं भी नहीं खाई, मुझे भी खानी है। खाना मैं ले दे रही हूँ, लू ना खाएगा बाबू, थैंक यू। खाते हम आइसक्रीम, बर्थडे बॉय खाया कि नहीं? ये कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया, हमने केक खाया है बस। केक भी बड़ा अच्छा था। हाँ मुझे तो केक भी नहीं मिला, ने तो सब मिस कर दिया यार, केक की क्या बात है, केक तो मिस किया ही, जो मेन होता है बाकी सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी। ऐसे ही केक दिखा देते हैं, तुम समझ ना, पप्पू को भाई को देख, दिखाओ देखो, वाओ तो प्यारा केक है, बटर स्कॉच। 11:15 कह रही है चल मेरे घर केक खिलाऊँ, 12 बजे हम 12 बजे हम इनके घर जाए केक खाने। था मेरा नहीं, मेरी नहीं याद आई कि मेरी भी रख देती हैं आप। तूने बोला कि मैं अगर 15 मिनट में आ गई तो आ गई, अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? तो भी मेरी रखना चाहिए था ना, ये गलत बात है, ना इंसाफी हुई है मेरे साथ आज। भावना आपने मेरे साथ ना इंसाफी की है आज। वैसे केक मेरे को अच्छा वाला केक खाना है, ड्यू है केक, ठीक है स्पेशल, जैसा केक हम बनाते वैसे तुमको पेस्ट्री खिलाएंगे। ओके डन, केक तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा तो पेस्ट्री पक्का। ओके डन डन, हमने सब्जी पैक करवा ली है, ये भावना की है, ये मेरी है, फिर आ रही है बर्थडे बॉय को, बर्थडे खत्म होने वाला है तुम्हारा। और इसका बर्थडे खत्म, इसको मैं सोच रही गोद ले लूँ पर ये आ ही मत रहा है, दिक्कत से भागा, कूड़ा कबाड़ा बिन रहा है ये। ये अलग थक गया बलून फोड़ फोड़ के, इतने बलून थे इस रूम में, कितने बलून कितने सारे तो फूटे पड़े हैं देखो, यहाँ ऊपर तक के निकाल, सब तरफ के बलून फूट गए भैया, सब ये फोड़ा है ना, सब ये फोड़ा है, सब ये फोड़ा है। चलते हैं अब हम यहाँ से, पूरा स्टाफ खड़ा है यहाँ का, ये हमने उठा ली अपनी पन्नी सब्जी वाली, चलते हैं।
सब जा चुके हैं, लास्ट में बस अब हम बचे हैं, तो हम भी जा रहे हैं डेकोरेशन। हाँ मस्त लग रहा ना, तू मिस कर वीडियो दे देना। कोई तो यार भाई को आना था, पर भावना कह रही हो गया हम छोड़ दे रहे हैं, चलो हमारे साथ। रुको रुको, गेट नहीं बंद हुआ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तूने बच्चे का बर्थडे का वो नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया। अब मैं क्या करूँ, लेट आई हूँ तो। अरे हमें इतना होता है कि मुझे तो खुद इतना खर रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तूने बहुत अच्छी पार्टी मिस करी है। पार्टी भी मिस कर दी। बैड लक सही में आज की नहीं है, मतलब मेरी गाड़ी लिटरली खिसक नहीं रही थी, इतना पानी था। इतना पानी गिरा है ना, ये कह रही है कि जब इन लोग आ रहे थे ना 8 बजे आप लोग आए हो ना, तो इतना पानी था कि इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, इतना पानी गिरा है आज। अरे यार पानी गिरना तो छोड़ो, इतना तेज से बादल गरजे है ना, ऐसे लगा बादल फट गया। अरे हम लोग घर से पैर बाहर निकाले हैं, तुरंत बारिश। हमने बोला कि क्या हो गया आज। वैसे तो होती है, मैं अक्सर देखी हूँ जब कुछ काम होता है, हमको कहीं जाना होता है, कुछ फंक्शन वगैरह होता है, तब बहुत ज्यादा बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत होती है। और मेन बात लाइट गोल हो गई थी, लाइट भी चली गई थी, लाइट चली। हमारा ये था कि हमने इतना टाइम करा, इतना टाइम इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो रही है, इन्वर्टर वाले बल्ब में ही तो मैं रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा जल रहा था, चला गया था इन्वर्टर, भी डाउन हो गया था। इन्वर्टर कैसे डाउन, बैटरी चार्ज। हाँ बैटरी खराब रहा, बैटरी खराब। तो इन्वर्टर वाला बल्ब और ये मोबाइल के टॉर्च में मैं रेडी हुई हूँ, इसीलिए वो लगा। पर मैं आई 11:15 आई हूँ, पर आई ये था कि आई। हाँ अभी कितना बजा है, 11:14 और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। यही होते हैं असली फ्रेंड जो आ जाते हैं लास्ट तक। तो आना ही था, हम बोले चाहे 12 बजे पर हम आएंगे, एक बार हम कंफर्म कर लिए थे कि हम आ रहे हैं 11:15, पार्टी बची भी है कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि नहीं आ जाओ, पार्टी चल रही है अभी। लेकिन मेरे आने तक सारे लोग जा चुके थे, बस नहीं बची थी लास्ट। वो भैया बैठे हैं, बोल रहे हैं कुछ। और भावना के हस्बैंड है ना, बहुत बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सपोर्टिव है, ऐसा हस्बैंड सबको मिले, मुझे भी मिले, मैं दुआ करती हूँ। बहुत सपोर्टिव है और बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब हर चीज को समझते हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। भैया मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, जबरदस्ती नहीं करी है किसी ने तारीफ के लिए, जबरदस्ती हम तारीफ नहीं करते किसी की, जो एक्चुअल में होता है वो स्क्रिप्टेड नहीं रहता कुछ भी। अच्छा लगा बहुत भैया, बाय। हाँ हाँ ठीक है, मेरा केक ड्यू है ना, मैं कल आऊंगी। चलो बाय बाय सबको। भाई फ्रेंड भावना छोड़ के चली गई, भाई आने वाला था पर भावना बोली हो गया हम छोड़ दे रहे हैं, छोड़ के चली गई। और ये सब्जी मैंने आई हूँ, पनीर की सब्जी बड़ी अच्छी थी ना, मैं खा नहीं पाई थी, पूरा कपड़ा फंस रहा है, तो मैं पैक करवा के दे रही हूँ।